जब मुझे पता चला कि मुझे फाइनल किया जा रहा है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसका नाम है यादव पान भंडार, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि श्री कृष्णा क्रिएशंस की मूवी है, जितेश दुबे जी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनके साथ मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स की हैं, तो वो प्रोडक्शन हाउस मुझे एक घर की तरह लगता है। तो जब मुझे इस फिल्म के लिए बोला गया तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि इसका टाइटल मुझे बहुत पसंद आया, यादव पान भंडार। और बीच में मैं एक फिल्म के प्रमोशन के लिए बाहर गई थी, तो वहाँ पे ऑडियंस मेरे पास आई, हम लोगों के पास, और खुद से उन्होंने ये बोला कि मैडम आप लोग कोई फिल्म बनाइए पान वालों पे, वो मतलब अगर जब भी बनेगी हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखने आएंगे और आपका आपको बहुत उससे मतलब अच्छा रहेगा। वो लोग चाहते थे कि पान के ऊपर कुछ फिल्म आनी चाहिए, तो वो बात मुझे दिमाग में थी, तो मैं एकदम खुश हो गई। मैंने बोला वाओ इतना अच्छा ऑफर आया है तो फिर डेफिनेटली व्हाई नॉट, और बहुत अच्छा लगा इस फिल्म को करके, बहुत मजा आया। यादव जी कौन बने हैं आपके अपोजिट? यादव जी एकदम हमारे इंडस्ट्री के सुपर स्टार मनोज तिवारी जी बने हैं, जो कि अब ना सिर्फ एक बहुत ही सुपर स्टार एक्टर बल्कि अब हमारे देश के MP भी हो गए हैं। और मैं कहना चाहूंगी स्पेशली कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मनोज तिवारी जी के लिए बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब ये फिल्म हम लोग कर रहे थे उसके कुछ समय बाद ही वो MP भी बन गए, और उसके बाद उनको टाइम भी नहीं मिल पाया दूसरे फिल्म करने के लिए, तो यादव जी तो हमारे मनोज तिवारी जी बने। और ये सुनने में आया कि ये फर्स्ट फिल्म है आपकी उनके साथ? जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने बताया कि मनोज जी अब बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं मूवीज को, बहुत बिजी रहते हैं, और उसके पहले जब वो थे तब मैं इंडस्ट्री में इतना आई, मतलब मैं जब आई पहली बार तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार बनके बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे, तो मेरा आना इंडस्ट्री में काफी लेट हुआ। तो जब ये फिल्म का ऑफर आया और जो कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम मनोज जी के ऑपोजिट मुझे फाइनल किया गया था, तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ ये पहली फिल्म है और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। सबसे बड़ी बात तो ये सीखने को मिली कि वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं बल्कि बहुत ही इतने बड़े स्टार होने के बाद भी जिस तरह से वो ग्राउंडेड हैं, जमीन पे रहते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, वैसे वाले एक्टर हैं, तो बहुत मजा आता था। सेट पे बहुत क्रिकेट खेलते रहते थे वो और बहुत सारी चीजें होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। फर्स्ट फिल्म है, किस तरह की केमिस्ट्री रही, क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है कि बॉन्डिंग बनाना अपने आप में। मैंने जैसे कि कहा कि मनोज जी बहुत ग्राउंडेड हैं, वो बहुत ज्यादा सरल हैं, उनको नहीं, हम लोगों को पता है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं लेकिन उनको नहीं पता, वो चीज़ उनमें है ही नहीं। तो जिस दिन पहले दिन मुझे याद है वो सेट पे आए तो बड़े अच्छे से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके कुर्सी, हम लोग का गाने से स्टार्टिंग हुआ शूट का, तो आके बैठे और ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, अच्छा ये है वो है, गाना सुनाओ, फिर रिहर्सल करवाया, तो ऐसे स्टार्ट हो गया। और यकीन मानिए ये फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बहुत सरल थे। मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सुपरस्टार मनोज तिवारी जी के साथ काम कर रही हूँ, वो फीलिंग नहीं आई। यादव जी खुद भी सिंगर हैं जी, मनोज जी हैं जी जी, तो कितने गाने हैं और किस तरह के गाने और क्या मूड है गानों का? गाने इसमें हर तरह के गाने आपको मिलेंगे, इसमें रोमांटिक गाने भी मिलेंगे, इसमें आपको आइटम सॉन्ग भी मिलेंगे, इसमें सैड सॉन्ग भी मिलेंगे। इसमें मासेस को लेके हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत जो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा मस्ती वाला गाना वो भी रखा है, तो ओवरऑल हर तरह के गाने हैं इस फिल्म में। और फिल्म के बारे में कहना चाहूंगी कि कंप्लीट कमर्शियल मूवी है, इसमें ऑडियंस को सारी चीजें मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात इसकी कास्टिंग, मतलब इतने सारे इसमें एक्टर्स हैं जो सब अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है। मनोज टाइगर जी को ले लें, संजय पांडे जी को ले लें, रीना रानी जी, नीलिमा सिंह, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो सब लाइक अपनी अपनी जगह काफी काम कर रहे हैं, विकास जी हो गए या फिर बहुत सारे जो भी, तो ओवरऑल एक बड़ी फिल्म कह सकते हैं इसको। और इसके सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और मुझे लगता है अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में पान वालों के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं आई है, तो ये एक और हमारे लिए प्लस पॉइंट है, और बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक गाना है जो इलेक्शन के टाइम पे लॉन्च हो रहा है जी, कौन सा सॉन्ग है वो? अभी सस्पेंस है ऑडियंस के लिए, वो हम लोगों ने अभी ओपन नहीं किया है, लेकिन हाँ क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि
जैसा मुझे सुनने में आया, मुझे कई कॉल्स आए, लोगों ने बोला अच्छा इलेक्शन के टाइम पे आप लोग इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब यादव जी जो कि हमारे मनोज तिवारी जी हैं, तो यादव जी जो हैं वो वहाँ बिहार के यादवों को लुभाने के लिए इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते, मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन अब जो सस्पेंस है वो गाने का, वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। गुंजन अलग ही किरदार नजर में आती हैं जब भी आती हैं, ये भी का चैलेंजिंग था या कुछ अलग था ये किरदार गुंजन का? ये भी चैलेंजिंग, ऐसा चैलेंजिंग तो हर किरदार होता है, जितनी भी हम फिल्म करते हैं सब में हमको अपना आउटपुट डालना पड़ता है, अपना अपनी चीज़ों कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। इस फिल्म में मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो तो यही थी कि मैं मनोज जी के साथ पहली बार काम कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसे हैं और किस तरह से सेट पे कैसे हम लोगों का काम होगा। उनकी सब जगह लोग उनकी इंडस्ट्री में तारीफ करते वो सुना हुआ था, लेकिन ऊपर से एक बहुत ही अच्छा, मतलब ठाकुर एकदम संजय पांडे की बहन है जो बहुत ही कह सकते एकदम कड़क, बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपनी बहन को लेके, बहुत पॉजिटिव है, उनकी बहन को प्यार हो जाता है एक पान वाले से। जस्ट इमेजिन, इतनी रिच एक लड़की और उसको प्यार हुआ, दिल उसका आके अटका तो एक यादव पे, पान वाले पे, और किस तरह से वो अपने प्यार को पा पाती है। और एक और खास बात बोलना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों में सपने तो होते हैं लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते, और इस फिल्म में भी हमारे पान वाले, पान भंडार जो चलाते हैं यादव जी, उनका एक सपना होता है और उनका सपना पूरा, उनका सपना पूरा करने के लिए मैं उनको बहुत हेल्प करती हूँ, उनका सपना पूरा करवाती हूँ, उस तरीके का भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे अभी तक बहुत प्यार दिया है ऑडियंस ने, मेरी सारी फिल्मों को सराहते हैं और बहुत प्यार देते हैं, तो इस फिल्म के लिए भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग जरूर देखें इस फिल्म को, अपना बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। और एक और बात बोलना चाहूंगी कि अभी बीच में हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू एक ऐसा स्कीम चलाई हुई थी कि मतलब मेरे फेसबुक पे बहुत सारे, जो मेरा पेज है उस पे बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लाइक्स कर रखे, तो अभी हम लोगों ने यादव पान भंडार का स्पेशली एक अलग पेज बनाया, तो उसमें ऐसा कुछ था कि जो पहले 100 लाइक्स आएंगे जिस दिन पेज बना उसी समय, मतलब शाम को 8 बजे पेज बना, और हमने ऐसे स्कीम निकाला कि जो भी पहले 100 लाइक आएंगे उनमें से 10 से मैं बात करूंगी विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, उसमें कुछ 300-400, मतलब तो रात का टाइम था, लोग इतना देखते नहीं, लेकिन धड़ लाइक्स बढ़ते चले गए जबकि पेज में जल्दी बढ़ते नहीं है। तो फिर मैंने 10 लोगों से बात किया तो हमें और प्यार मिला, लोगों की और मतलब लाइक्स बढ़ने लगे। फिर मैंने अभी एक ऐसा स्कीम चलाया था कि अब मैं किसी एक फैन से मिलूंगी, तो अभी वो कल मैं अपने फैन को मैंने बुलाया स्पेशली, वो मुझसे मिला, तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से भी, हमारा पेज है यादव पान भंडार, तो उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों से मिलवाएंगे, किसी की बात करवाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट करेंगे, तो आप लोग उस पेज को लाइक करिए और हमें अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फिल्म बताओ किस तरह से मिली और क्या तैयारियां थी और किस तरह से नरेट हुआ आपको? कुछ बोलते हुए अरे हमार हीरा तो बड़े स्टार हो गए, कहीं हमरा के बुला तो ना जाइए ना, ऐसा ना हो सकेला, हमार हीरा ऐसा ना होवन। फैन को बुलाया था ना? कहाँ पर? यहीं पे बुलाया था फैन को, तो प्रॉपर रेडी वगैरह होके आई थी कल अभी।
सरिता के बारे में क्या बोलूं, टाइम की कमी तो होता है उनके पास, और उस हिसाब से मैं मैनेज कर रहा हूँ। और सर का सपोर्ट रहा है, मनोज तिवारी साहब का थैंक्स देंगे उनको कि उनका सपोर्ट रहा है हमारे फिल्म के लिए। और 18 को वो डबिंग भी कर रहे हैं, फिल्म भी देखेंगे साथ में, है ना। बस यही कहेंगे कि दोनों रूप में वो मुझे अच्छे लगे। अभिनेता थे तो भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और राजनेता हैं तो भी मुझे सपोर्ट मिला, थैंक्स। यादव पान भंडार, ये सब्जेक्ट, ये थॉट बड़ा कम लोगों में आता है, नॉर्मली कोई बनाता भी नहीं है इस तरह से, बट आपने ज़मीन से उठा दिया इस सब्जेक्ट को। जी, मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूँ, पटना से, तो पटना में लोगों के साथ जिया हूँ मैं, फुटपाथों को देखा है, तो मुझे लगा कि इन लोगों की स्थिति पे अगर इन चीज़ों को स्क्रीन पे लाया जाए तो अच्छा लगेगा कि हम किस हालात में समाज को देखते हैं, कैसे देखते हैं समाज को, या समाज हमारे प्रति कैसे रवैया अपनाते हैं। तो बहुत सालों से लगा था कि भाई इन लोगों पे, यादव पान भंडार टाइटल चूँकि बिहार से है तो आप समझ सकते हैं, है ना, वो क्षेत्र रहा है पूरा, तो मुझे लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए सब्जेक्ट पे। और इसके लिए मुझे मनोज तिवारी साहब ही दिखे, इनोसेंट फेस, है ना, और बहुत ही पॉजिटिव रूप में यादव को इसमें दिखाया गया है। यादव का जैसा कि पेपरों में या न्यूज़ में सुनने को मिलता है, वैसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं। मैंने हमेशा पॉजिटिव देखा है, लोगों को सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए, कंधे से कंधा मिला के चलते हुए। तो मैं बोला यार ठीक है, हर जाति में, जातिवाद का तो नाम लेना भी नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन हर लोगों में है, सब तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे हमेशा समर्थन रहा है, समर्थन मिला है। तो ये सब्जेक्ट हमारे वहाँ से दिमाग में आया और इसको स्क्रीन पे लाने की कोशिश किया, बाकी दर्शकों पे है। गुंजन पंत फिल्म के अंदर, पहली फिल्म है मनोज तिवारी के अंदर, किस तरह की केमिस्ट्री दोनों स्टारों के बीच में, दोनों ही अपने आप में अलग अलग किरदार हैं? नहीं, केमिस्ट्री तो जमा है सर, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि गुंजन पंत के लिए मनोज तिवारी साहब के साथ काम करना पहला फिल्म हुआ होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि उन दोनों की इसके पहले भी फिल्में आ चुकी है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया है, तो लगेगा कि दो चार फिल्में साथ में, जैसे कंफर्ट होते हैं ना एक्टर काम करने में को आर्टिस्ट के साथ, तो वैसे को एक्टर के साथ काम करने में तो बहुत कम्फर्ट लेवल में काम किया है। और मुझे ये केमिस्ट्री को पिक्चराइज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ा, हाँ मैं जैसा चाहता था ना वो इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। जी, फिल्म की अगर बात करूँ और फिल्म के अंदर जो गाने हैं, कुछ है, एक गाना ऐसा है जो इलेक्शन के टाइम पे आप लॉन्च कर रहे हैं, और ये इत्तफाक कह सकते हैं या जो कहना चाहे आप, हाँ ये इत्तफाक कह सकते हैं, संजोग है ना कि अभी इलेक्शन है और मेरी फिल्म इसी बीच रिलीज है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। फिल्म को रिलीज कब करना है, कब, किस डेट को, कौन सी डेट को होगी, क्या डेट है? डेट एडजेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन अक्टूबर लास्ट ऑफ द वीक है ना, ओके, अक्टूबर में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है, और डेट मैं 2-4-5 दिन में क्लियर कर दूंगा। हमारा पोस्ट प्रोडक्शन जोरों से चल रहा है ना, लगभग डबिंग कंप्लीट पे आ गई है और काफ़ी काम अभी भी है, लेकिन संभवतः मैं उस डेट में रिलीज कर दूंगा फिल्म, कोशिश में लगा हूँ। बाकी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सर्वोपरि जो है ऑडियंस ही हैं, और उनका सहयोग, उनका समर्थन, उनका प्यार हमें मिले, हमारे फिल्म को मिले, हमारे पूरे टीम को मिले, यही कहना चाहूँगा हम अपने दर्शकों से कि वो हमारे साथ प्यार बनाएं, है ना, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भैया सबसे पहले तो बताओ अपने किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार है? पहले तो हमारा नाम बा विकास सिंह बीरप्पन। किरदार में हम बनी, हम और अयाज दो भाई बनी जा, और निगेटिव किरदार बटे। निगेटिव किरदार में मतलब क्या करने वाले हो, कौन सी ऐसी छाप छोड़ने वाले हो? अब निगेटिव में पूरा रसलीला बटे, एक सॉन्ग बटे हमारा ऊपर, आइटम सॉन्ग बटे, जना में
हीरोइन के साथ हमने डांस करता नहीं जा, वो छोटका देवर के हिसाब से वो गाना गावती जा। हम मनोज जी से फाइट बा, पूरा स्ट्रगल बटे हीरोइन को लेके, हीरोइन के बाजे आयाज से शादी करावा के बाबू कहता हमें शादी करे मेरे को अहिर आदमी। मनोज भैया फिल्म के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है उनका इस वक्त, उसके बाद भी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उतरे हैं मैदान में, और इलेक्शन के टाइम पर गाना भी रिलीज हो रहा है। असल में ये यादव पान भंडार एक बहुत अच्छी फिल्म है, और फिल्म से इसलिए ज़्यादा उनका लगाव है क्योंकि वो यादव के करेक्टर में है, और उनको इस फिल्म में कोई अभद्रता नहीं है। इस फिल्म को फैमिली के साथ हम लोग देख सकते हैं, फैमिली के साथ फिल्म में हर चीज़ है, तो इसमें एक आशा है जी फैमिली के साथ पब्लिक आएगी इस फिल्म को देखने के लिए, इसलिए ज़्यादा उनका लगाव है कि अभी बिहार चुनाव है उसमें भी बहुत व्यस्त हैं वो, उसमें से समय निकाल के एक दिन आके डबिंग किए, फिर आकर अभी डबिंग करेंगे 18 तारीख को, तो हम लोग फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है जी हीरो इतना सपोर्ट कर रहा है। आपके किरदार की अगर बात करूं तो किस तरह का किरदार रहेगा और कितनी छाप छोड़ने वाला है ऑडियंस को? मैं तो बहुत मजा लिया हूं इस फिल्म में, और मेरा और आयाज का जोड़ी इस फिल्म में बहुत अच्छा किया है, देखिए ऑडियंस को कैसा लगता है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस एक बार पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखे, ये हम लोग से रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए, और निराशा नहीं मिलेगा इस फिल्म में, निराशा नहीं मिलेगा। गुंजन भी है फिल्म के अंदर, गुंजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुंजन जी से तो बहुत मजा लेते हैं हम लोग फिल्म में, आयाज से शादी करने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन अब हीरो हीरो है, हीरो अपना लेके भाग जाता है। गुंजन जी एक अच्छी हीरोइन है, अब इस बार इस साल हम लोग सीसीएल में भी जुड़ रहे हैं, एक साथ में काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू।